मिर्जा गालिब जितनी बड़ी शख्सियत उतने ही ज़्यादा उनसे जुड़े हुए किस्से हैं। उन मिर्जा गालिब अपने मिजाज को लेकर भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, जो उनके किस्सों से हमें पता चलता है। उनका मिजाज कैसा था, एक किस्से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा है, वो जानने के लिए मिर्जा गालिब से जुड़ी हुई एक जगह पर हम आए हैं। वो किस्सा क्या था ये हमें बताएंगे फिरोज साहब। फिरोज साहब, वो किस्सा क्या था और हम किस जगह पर आए हैं इसके बारे में भी आप ज़रा हमें बताएँ। हाँ देखिए मुकुंद भाई, वो किस्सा बड़ा दिलचस्प था और जो जगह है इसका नाम है एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये बहुत पुराना स्कूल है, इसकी शुरुआत जो है मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में हुई थी 1692 में, और काफ़ी पुराना हो चुका है तकरीबन 330 साल। जैसे गालिब की अब ये 225वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 27 सितंबर को, तो यहाँ पर गालिब आए थे। असल में गालिब उनकी ख़ासियत ये थी, उनके अंदर फ़कीराना शहनशाही थी। वैसे तो वो फ़कीर थे, यानी कुछ नहीं था, ढेला भी नहीं होता था उनके पास। काम करके या कुछ किस्से वगैरह लिख के या कसीदा गोई करके कुछ पैसे आ जाते थे। तो इस स्कूल में एंग्लो अरबिक स्कूल के अंदर एक दफ़ा वैकेंसी क्रिएट हुई और वो थी पर्शियन टीचर की, यानी फ़ारसी के टीचर की। तो गालिब को पता चला, अब कितने शायद 40 रुपये महाना थी या जो भी थी उस ज़माने में, 40 रुपये भी ऐसी थे जैसे 40,000। तो गालिब यहाँ आए, गालिब का बहुत बड़ा नाम था। तो यहाँ पर इस स्कूल के अंदर जो एंग्लो अरबिक कॉलेज हुआ करता था, रेजिडेंट कमिश्नर अंग्रेज़ एक अफसर बैठा करते थे। लेकिन जब वो उनकी पालकी इस गेट के ऊपर आई तो रेजिडेंट कमिश्नर को उन्होंने दरबान से एक मैसेज भिजवाया कि मैं गेट पे खड़ा हूँ और आप बराहे करम मुझे रिसीव करने आ जाइए। रेजिडेंट कमिश्नर चूँकि अंग्रेज़ था, उसकी भी बड़ी नाक थी, ईगो वाला आदमी था, उसने रेजिडेंट कमिश्नर ने ये कहा कि गालिब को चूँकि नौकरी चाहिए, ज़रूरतमंद है, उनको खुद अंदर आना चाहिए, वो मेरे ऑफिस में आए, मैं उनको रिसीव करने नहीं आऊँगा। अब गालिब का मिजाज था ये फ़कीराना शहनशाही थी, वैसे तो फ़कीर थे, मिजाज में शहनशाही थी, बिल्कुल बादशाह से कम नहीं समझते थे, बहादुर शाह जफ़र के राइट हैंड थे। तो उनको बुरा लगा, बग़ैर कुछ कहे सुने अपनी पालकी को वो वापस ले गए, वरना हो सकता था कि इस एंग्लो अरबिक कॉलेज में कुछ अरसा वो पर्शियन पढ़ा सकते थे। ये एक बात और बताता चलूँ जो इससे जुड़ी हुई है, इस स्कूल के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप देखिए कि उसमें इसमें सर सैयद अहमद का नाम जुड़ा है, वो भी यहीं पढ़ के गए हैं, और दारुल उलूम देवबंद का जो मदरसा है उसके जो फाउंडर हैं वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं, और मिर्ज़ा एमएन मसूद इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर थे, और भी बड़े बड़े नाम हैं, सिकंदर वक्त भी यहीं से थे। बहुत इस एक हिस्टोरिसिटी पूरी इससे जुड़ी हुई है। तो गालिब मेरे ख़्याल से जब यहाँ पर आए और उनको डिसअपॉइंट होना पड़ा, तो गालिब का नाम हमेशा के लिए एंग्लो अरबिक कॉलेज और स्कूल से जुड़ गया। और एक बात ये भी है ना कि जैसे गालिब के पास पैसे नहीं होते थे, कर्ज में डूबे रहते थे, और ऐसे में उनको एक बारी नौकरी करने का मौका मिला, तो उन्होंने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि जो रेजिडेंट कमिश्नर थे उनको रिसीव करने बाहर नहीं आए। बिल्कुल बाहर से ही चले गए यहाँ से। बिल्कुल बहुत बड़े, देखिए ये गालिब को आज भी मैं समझता हूँ, रैल्फ रसल ने उनके बारे में लिखा है कि जो थॉट कॉन्टेंट गालिब का था वो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मतलब कोई भी बड़ा नाम ले लीजिए किसी भी वेस्टर्न पोएट का, W.B. येट्स किसी का नहीं था। और गोपाल दास नीरज ने तो गालिब के ताल्लुक से ये कहा है कि जो वेदना, जो एंग्स्ट जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, जो दर्द उन्होंने फील किया अपनी शायरी में, वो तो किसी शायर की किस्मत नहीं था। तो कहने का मकसद ये था, गालिब यहाँ हो सक भाई वो तो जॉब करने आए थे ना, वो तो छोटी सी जॉब करने आए थे, और वो जो जॉब थी वो 40 रुपये महीने की थी। लेकिन मुकुंद भाई वो जॉब भी उनको नहीं मिली, और उनकी हालत तो ये थी। एक शेर मुझे याद आता है उनका, बड़ा मशहूर शेर है, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे हाँ रंग लाएगी एक दिन फाका मस्ती हमारी। तो फाकों से सारी ज़िंदगी उनकी बेचारों की गुजरी थी।